और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब आपको नजर आ रहा है पानी का, यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि यहाँ पर जो है ना बच्चे बूढ़े वो इस गंदे गलीस पानी की वजह से यहाँ पर जो है वो एक बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। और जिनको जो कि इनके इनका ये कहना लाखा मकीनों का कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और कोई भी ऐसा यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पे सियासी समाजी लोग हैं, यहाँ के कारकुनान हैं या जितने अदारे हैं यहाँ पे, खासकर जो LDA का, खासकर जो वासा का अदारा है, वो भी यहाँ पर जो है ये रोड टूटने के बाद यहाँ पर वो नहीं आए और यहाँ पर कोई पूछ पूछ करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जितने यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि ये कितने अरसे से ये रोड जो है वो टूट टूट का शिकार है और इन लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात हैं। और इसके अलावा नाज़रीन और बात बताता चलो कि ये निकासी किसी ऐसे तालाब के अंदर नहीं है, बल्कि ये पीछे आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर आबादी है, के अंदर ये जो पानी है ये उन घरों में जा रहा है और बीमारियां जो है वो बे इंतहा जो है बीमारियों का शिकार है लोग। पीछे देख सकते हैं ये और किसी जगह पे जो है ना इसकी कोई निकासी नहीं है कि यहाँ पर कोई तालाब हो या किसी भी लिहाज से इसका कोई निकासी की गई हो या आगे कोई इस तरह का कोई रेला हो जिसके अंदर ये जाके पानी जो गिरता हो, क्योंकि ये टोलर पीछे जो आबादी है इस आबादी का ये जो गंदा गलीस पानी है जिसमें वॉशरूमों का भी पानी है और बहुत सारा, क्योंकि इसी पानी की वजह से नाज में आपको एक और बात बताता जो क्योंकि SOPs के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि कोरोना के जो ये दिन चल रहे हैं जिसमें तकरीबन लोग पहले से ही ये कोरोना के अंदर जो है ना अपने आप को जो है ना बड़ी मुश्किल से ये वक्त गुजार रहे हैं और बीमारियों का शिकार है, उसी के साथ साथ ये जो गंदा पानी गलीस पानी है ये जो ये पानी जो है ये उसी बीमारी के अंदर जो है उसी कोरोना का जो है ना दूसरी लहर है ये, क्योंकि ये अगर आबादी के पानी को अगर रोका जाता है तो लोगों के जो है ना घरों में भी मुश्किल हो सकती है और इसकी निकासी के लिए जो LDA काम करता है, जो वासा काम करता है, वो यहाँ पर कोई भी ऐसी जो चीज हमें जो है ना वो नजर नहीं आ रही। तो हम लोगों से बात करते हैं यहाँ पे जो मुकामी शहरी हैं, यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पर किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ा गहरा जो खड्डा है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे उसका जो है वो यहाँ पे टूट फूट भी होती हैं और लोगों को बड़ी मुश्किल खास नाजरी जब रात को अंधेरे के वक्त धुंध का टाइम होता है तो लोग बड़ी स्पीड के साथ आ रहे होते हैं, तो इसी खड्डे के दरमियान लगने के बाद बहुत सारे हादसा का शिकार हो सकते हैं। तो सारी बात है जब जितनी देर तक कोई भी यहाँ का समाजी कारकुनान या कोई भी LDA का बंदा या वासा का बंदा यहाँ पर कोई भी यहाँ पे आके काम नहीं करेगा तो इन गरीब बेचारों का जो मामला ये मुश्किल का शिकार है वो पूछने वाले नहीं है, क्योंकि इसी खड्डे की वजह से ये पानी है और पानी जो है ना लोगों के कपड़ों के ऊपर। एक शहरी से बात थोड़ी देर पहले की तो उनका यही कहना था कि हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो खासकर मस्जिद भी है पास, तो जब हम यहाँ से वजू के अंदर गुजरते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो बाकायदा नापाकी हो जाती है उनके अंदर और नमाज जो पढ़ने से हम जो है ना वो बड़े कासर है। तो लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या यहाँ पे मौका था। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पे आपको ये जो पानी खड़ा है तो आप कितने इससे परेशान? सर हम तो बहुत ज्यादा ही परेशान है क्योंकि नमाज पढ़ी होती है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है। हम नमाज हो रहे हैं जो यहाँ से हमारा यही कहना है इससे आप आला हुकाम से क्या अपील करें? कितना अर्सा पहले का यहाँ? सर ये तकरीबन अभी तो 10-12 दिन हुए इसको, उससे पहले के लिए खुशी हुई है और ये आपको लगता है कि यहाँ पे ये देखें पीछे कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे फैमिली जो है वो भी जो है ना यहाँ से गुजर रही, सारी बात है यहाँ पे लोग गिरते भी होंगे, कपड़े भी खराब होते हैं, तो आपके यहाँ पे जो सियासी समाजी लोग हैं उनमें से कौन होते दौरान है मेहर बताइए? नाजरीन इनका यहाँ पे जो सरदार अली अदर खान भट्टू साहब है वो जो तहसील जो है उनके नीचे अंडर है और तहसील लेवल पे वो काम करते हैं, तो इनकी उनसे भी अपील है कि यहाँ पर जो है ना इन लोगों के ऊपर नजरसानी की जाए और इनकी जो मुश्किलात हैं उनको देखा जाए और इन लोगों ये जो जितने भी गरीब गुरबा यहाँ पे लोग हैं, सारी बात है एक इलाके के अंदर जब कोई भी सियासी समाजी लोग होते हैं तो उनके होते हुए अगर ये लोग उनके चेहरों को
سپورٹ لے